नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, अगर आप मोबाइल चलाते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि यह एक अंबानी से लेकर के, यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि रिलायंस से लेकर के एयरटेल और वोडाफोन की बड़ी बात नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का, जो देश का सरकार है, उसका भी एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चर्चा है और इसका जीता जगता आप सबूत अपने मोबाइल से आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, फोन पे में चेक कर सकते हैं, ये सब चीजें जान सकते हैं। मैं क्यों बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों का आरोप है कि अंबानी परिवार में शादी का प्रोग्राम है, तो उसके लेकर के रिचार्ज का जो कि पैसा बढ़ा दिया गया है, ये 239 रुपए का रिचार्ज अब 300 रुपए में जो कि होगा, बढ़ा दिया गया है। लेकिन एयरटेल और जो कि वोडाफोन आइडिया तमाम जो नेटवर्क हैं, वह क्यों बढ़ाया हुआ है, समझने वाली विषय की बात है कि वह जे क्यों बढ़ाया है। तो दोस्तों, भारत सरकार की एक पॉलिसी है जो चाहती है कि अब YouTube पर बैन लगाया जाए, क्योंकि टीवी छोड़ करके लोग YouTube पर ज्यादा जे की भरोसा करने लगे हैं, हर समाचार जे की YouTube पर देखने लगे हैं। यहां तक कि खुद ब खुद जे की नरेंद्र मोदी जी का एक यूट्यूब चैनल है, जिसको सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबाने के लिए लोगों से अपील भी किए थे। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि सोशल मीडिया पर इतना काफी लोगों का झुकाव है, और ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, टेलीविजन, अखबार से लोग ये कि दूर भाग रहे हैं। इसके पीछे का रीजन आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि उन जो व्यक्ति जे की इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया का, देख रहा है, वह जे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं देख पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोल रहा है तो बस जे कि समाचार देखना है तो मोदी जी का ही देख सकता है, दूसरा किसी का आएगा ही नहीं, तो फिर देखेगा क्या? नहीं तो फिर ये कि कोई फिल्म देखे, सीरियल देखे, तो उससे बढ़िया जे कि वह समाचार देखना चाहता है तो यूट्यूब पर देखने का प्रयास करता है। अब यूट्यूब पर जे कि शिकंजा कसने का प्रयास किया गया, बार बार जे की जो इलेक्ट्रॉनिक चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, उसमें जे की बार बार जे की प्रयास किया गया कि यूट्यूब पर जे की ऐसा कंटेंट ना आए, ऐसा कंटेंट आना चाहिए, तमाम तरीके का, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाई। जे की भारत की सरकार 1700 से ज्यादा चैनल को बैन किया, बंद किया, किसी का मोनेटाइजेशन किया, किसी का डिलीट करवाया, उसके बाद उसको संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन अब इस तरीके से घुमा करके सरकार जे की यूट्यूब पर सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा कसना चाह रही है। दोस्तों, आप हमें जरूर बताइएगा कि यह जो जीती से काम हो रहा है, क्या यह सही है या गलत है? अगर गलत है तो इसके विरोध में जे की रहना चाहिए, अगर सही है तो समर्थन करना चाहिए। तीनों कंपनियों का रिचार्ज जे की बढ़ाया गया है, इसलिए बढ़ाया गया है कि YouTube आप अधिक से अधिक न देख पाए, YouTube अधिक से अधिक इस्तेमाल न कर पाए, Facebook, Instagram, WhatsApp न जे की यूज कर पाए ज्यादा। लेकिन मैं उन भक्तों से भी जे की पूछना चाहता हूं, यह बात अच्छा किए हैं मोदी जी कि जब डाटा का खर्चा कम आ रहा था तो नरेंद्र मोदी जी स्टेज से जे कि बोले थे, लाल किला से जे कि बोले थे कि डाटा का खर्चा हमारे सरकार में जे कि कम हुआ है, यह बहुत बढ़िया है। लेकिन आप जे कि बताइए कि जब डाटा महंगा हुआ है तो फिर एक बार जे कि मोदी जी को सामने आकर बोलने में क्या दिक्कत है? क्या लाल किला से इस बात को बोलेंगे अगस्त में या नहीं बोलेंगे?
दोस्तों यह बात जे कि बिल्कुल समझ और जे कि अलग विषय जे कि बनते जा रहा है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि सरकार के खिलाफ कोई जे कि आवाज न उठाए और आवाज जे कि टीवी टेलीविजन से के माध्यम से उठाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि अधिक से अधिक जे कि वो बिका हुआ है। मैं उन भक्तों को दोबारा जे कि बताना चाहता हूं कि आप हमें जरूर बताइए कि जब आप फेसबुक नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम नहीं के यूज नहीं करेंगे, यूट्यूब यूज नहीं करेंगे, तो फिर आप जे कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर क्या टीवी पर देखेंगे या कश्मीर फाइल्स जे कि आप टीवी पर देखेंगे? यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप पर जे कि आप नहीं देख पाएंगे, जहां पर अधिक से अधिक जे कि भक्तों के द्वारा जे कि शेयर करके और लोगों को दिखाया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, जितना उसका प्रोड्यूसर प्रोडक्ट में जो उसका डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो मार्केटर है उस फिल्म का, कश्मीर फाइल्स का, वो लोग उतना मेहनत नहीं किए थे जितने देश के भक्त जे के किए थे कश्मीर फाइल्स को दिखाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग को दिक्कत नहीं होगा जब डेटा जे की बढ़ गया उसका दाम? लेकिन हो सकता है कि आप भक्त होंगे तो समझेंगे, लेकिन अगर आप अंध भक्त होंगे तो आपको सब कुछ अच्छा ही लगेगा। दोस्तों आपको अच्छा लगना भी चाहिए, आप अभिनव मुद्रा में जे कि हमेशा बने रहें, शांति दिखाते रहें और शांति के साथ जे कि आप जय श्री राम करते रहें। धन्यवाद।